वेलकम मेंबर्स, आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ नेटफ्लिक्स पर हाल ही में रिलीज हुई मूवी हसीन दिलरुबा को। इस मूवी के अंदर आपको तापसी पन्नू, हर्षवर्धन राणे और विक्रांत मैसी दिखाई देंगे। मूवी की शुरुआत होती है एक पुलिस स्टेशन से, जहाँ पर तापसी पन्नू का कैरेक्टर यानी कि रानी को पुलिस पकड़ के लेके आई होती है, क्योंकि रानी के घर में गैस सिलेंडर फटा था और इस गैस सिलेंडर में रानी के हस्बैंड ऋषभ की मौत हो गई थी। और ऋषभ की मौत का इल्जाम आया था रानी और नील पर। नील रानी का लवर होता है और ऋषभ का कजन ब्रदर होता है। और फिर जब पुलिस स्टेशन के अंदर रानी से पूछताछ हो रही होती है तो रानी फ्लैशबैक की पूरी स्टोरी सुनाती है। और अब हम जाते हैं पास्ट के अंदर, जब ऋषभ रानी के घर पे उसका हाथ मांगने आया होता है और ये प्रॉपर अरेंज मैरिज होती है। अब शादी के बाद परिवार के अंदर थोड़ी बहुत नोकझोंक होती है, हंसी मजाक होता है और घर वालों को नई बहू को अडेप्ट करने में थोड़ा समय लग रहा होता है। और सबसे ज्यादा दिक्कत आ रही होती है ऋषभ की माँ को, क्योंकि उन्हें जैसी बहू चाहिए थी रानी वैसी बिल्कुल भी नहीं थी। अब इसके बाद हम देखते हैं कि ऋषभ और रानी के बीच सेक्सुअल रिलेशन बहुत बिगड़े हुए हैं। ऋषभ रानी के बहुत ज्यादा सुंदर होने की वजह से नर्वस हो जाता है और रानी ट्राई कर करके थक चुकी थी। और यही चीज जब एक रात वो अपनी माँ को फोन पर बता रही होती है तो ये सब ऋषभ सुन लेता है बाथरूम से। और उसको ये चीज बहुत ज्यादा बुरी लगती है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा सिंपल और शाय लड़का था, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसके पर्सनल मोमेंट की इन्फॉर्मेशन किसी और को मिले। जिसके बाद ऋषभ नाराज हो जाता है और धीरे धीरे करके ऋषभ और रानी के बीच दूरियां बढ़ने लग जाती हैं। अब जब इन दोनों के बीच दूरियां बढ़ रही होती हैं, तभी ऋषभ का कजन ब्रदर नील उनके घर पे रहने आता है कुछ दिनों के लिए। और ये एक बॉडी बिल्डर और मस्कुलर टाइप का पर्सनैलिटी वाला लड़का होता है, जैसा रानी को चाहिए था। और फिर थोड़े दिनों के अंदर रानी और नील के बीच नजदीकियां बढ़ने लग जाती हैं और ये नजदीकियां इतनी ज्यादा बढ़ जाती हैं कि सेक्सुअल रिलेशन तक कन्वर्ट हो जाती हैं। और फिर कुछ दिनों तक इसी तरीके से चलने के बाद नील वहां से चला जाता है। और नील के जाने के बाद ऋषभ को पता चलता है कि नील और रानी के बीच सेक्सुअल रिलेशन बिल्ड हुए थे। जिसके बाद पहले तो वो नील पे हमला करने के लिए उसके घर जाता है और फिर नील से पिटने के बाद ऋषभ घर आकर रानी से बोलता है कि तुम या तो यहाँ से चली जाओ वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। लेकिन रानी जाना नहीं चाहती थी, अपनी गलती का पश्चाताप करना चाहती थी, इसलिए वो हर वो कोशिश कर रही थी जिससे वो खुश हो सके या फिर उसका गुस्सा खत्म हो सके। और वहीं दूसरी तरफ ऋषभ की अब साइकोपैथ वाली पर्सनैलिटी बाहर आने लगी थी। वो रानी को हर मुमकिन टॉर्चर दे रहा था, कभी रानी सीढ़ियों से गिर रही थी, कभी गैस में आग लग जाने की वजह से वो जल रही थी। अब कुछ दिन तक इसी तरीके से टॉर्चर झेलने के बाद एक दिन रानी फाइनली ऋषभ से बोलती है, या तो मुझे मार दो या फिर मुझे माफ कर दो। और फिर उसके बाद वो छत के ऊपर खड़ी होकर बोलती है कि लोग मुझे धक्का दे दो पानी के अंदर। और जब ऋषभ देखता है कि रानी को सच में पश्चाताप हो गया है और फिर इन दोनों के बीच सब कुछ ठीक हो जाता है। और फिर इसी तरीके से इन दोनों के बीच धीरे धीरे करके रिलेशन सुधरने लगते हैं और फिर कुछ दिनों में इनका रिश्ता बहुत ज्यादा अच्छा हो जाता है। लेकिन फिर एक दिन ये दोनों कहीं जा रहे होते हैं और तभी इन्हें नील दिख जाता है। और फिर नील टीज करते हुए इन दोनों को बोलता है कि मेरी बाइक के पीछे एक सीट खाली है, अपनी बीवी को भेज दो। और अब नील की इस बदतमीजी के बाद ऋषभ को गुस्सा आ जाता है, जिसके बाद वो अपनी कार को लेकर ऋषभ की बाइक के पीछे दौड़ने लग जाता है। लेकिन थोड़ी दूर तक उसका पीछा करने के बाद नील वहां से भाग जाता है। और अब इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि नील ऋषभ के घर पे आया हुआ है और अब वो रानी और ऋषभ को ब्लैकमेल करते हुए बोलता है कि मेरे पास तुम्हारी वाइफ के एमएमएस पड़े हुए हैं और मैं इन्हें लीक कर दूंगा। और जैसे ही ऋषभ को ये बात पता चलती है कि उसके वाइफ का एमएमएस नील के पास पड़ा हुआ है, वो तुरंत उस पर हमला कर देता है। और अब इन दोनों के बीच फाइट होने लग जाती है, जिसमें नील ऋषभ को बुरी तरीके से पीटने लगता है। और अपने पति को पिटता देख रानी अपने पति को बचाने के लिए गोश्त के एक बड़े से टुकड़े के जरिए नील पे हमला कर देती है और ये हमला इतना ज्यादा तेज होता है कि नील की मौत वहीं हो जाती है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि ऋषभ रानी से बोलता है कि हम बड़ी मुश्किल से एक हुए हैं और मैं अब तुम्हें खोना नहीं चाहता। वो ऐसा इसलिए बोलता है क्योंकि रानी ने भले ही सेल्फ डिफेंस में नील को मारा सही, लेकिन मर्डर तो उसने करा था तो उसे जेल तो जाना पड़ता। और अब रानी को जेल से बचाने के लिए ऋषभ तुरंत एक प्लान बनाता है। और इस प्लान के अकॉर्डिंग पहले तो ऋषभ नील के कपड़े पहन लेता है और अपने कपड़े नील को पहना देता है और फिर अपना वो वाला हाथ काट देता है जिसपे रानी के नाम का टैटू बना हुआ था। और अपना हाथ काटने के बाद और नील के कपड़े पहनने के बाद वो रानी को बाहर भेज देता है उस गोश्त को कटवाने के लिए जिस गोश्त के जरिए उसने नील को मारा था। अब रानी मार्केट चली जाती है उस गोश्त को कट करवाने के लिए जिससे कि कोई सबूत ना बचे। वहीं दूसरी तरफ ऋषभ अपने घर के अंदर आग लगा देता है और जब उसके घर में आग लग रही होती है तो ऋषभ नदी के अंदर कूद कर वहां से निकल जाता है। और फिर जब पुलिस इन्वेस्टिगेट करती है तो उन्हें एक सीसीटीवी फुटेज मिलता है उसी टाइम का जब ऋषभ नदी के अंदर कूद रहा था। और वो फुटेज इतना ज्यादा ब्लर होता है कि उन्हें कपड़ों की वजह से वो ऋषभ नहीं बल्कि नील लग रहा था। इस वजह से पुलिस वाले बार बार रानी को पुलिस स्टेशन में बुला रहे थे और पूछ रहे थे कि उसका लवर नील कहां पर है। और फिर कई सारे लाइट डिटेक्टर टेस्ट होने के बाद और पूरी इन्वेस्टिगेशन होने के बाद ये चीज पता चलती है कि रानी ने अपने हस्बैंड को नहीं मारा और फिर मजबूरी में पुलिस को उसे छोड़ना पड़ता है और ये केस यहीं क्लोज हो जाता है। और इसी केस के क्लोज होने के साथ उस पुलिस वाले का भी ट्रांसफर हो जाता है जो पुलिस वाला इस केस को इन्वेस्टिगेट कर रहा था। और ट्रांसफर होने के बाद जब वो पुलिस वाला ट्रेन पकड़कर नए शहर जा रहा होता है तभी उसे एक दिनेश पंडित नाम के राइटर की एक बुक मिलती है जो सिर्फ क्राइम नॉवल लिखता था और ये वही राइटर था जिस राइटर की बुक हमेशा रानी पढ़ा करती थी। और फिर इसके बाद हम अगले सीन में देखते हैं कि वो पुलिस वाला दिनेश पंडित की उस किताब को पढ़ने लगता है जिस किताब पर उसकी नजर गई थी। और जब किताब खत्म होती है तो उस पुलिस वाले को समझ आ जाता है कि आखिर हुआ क्या था। उसे ये चीज पता चल जाती है कि ऋषभ जिंदा है और उसने अपना हाथ काटकर अपनी बॉडी को नील की बॉडी के साथ रिप्लेस कर दिया है। और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है।